हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये एक रजिस्टर है जो मैंने 4018 BS4 टाटा सिग्ना से निकाला है। ये ब्लोअर मोटर के पास लगा होता है। इसका काम है, देखिए, ये एक रजिस्टर है। इसका रजिस्टर का काम होता है कि करंट बहने वाली जो धारा है उसमें रुकावट पैदा करता है। ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये ग्राउंड में, इसमें जो गाड़ी में है दिया है वो ग्राउंड में काम कर रहा है, यानी अर्थिंग में। तो देखिए, इसका मैं अभी चेक करूंगा कि ये, इसको कैसे चेक किया जाए कि ये ख़राब है या सही है, वो हम जानेंगे। और साथ साथ इसका काम भी हम जान जाएंगे। इसका काम है कि जब हम जो स्विच दिया हुआ है कि एक घाट, दो घाट, तीन घाट, जैसे जैसे मतलब हम स्टेप बढ़ाएंगे, ब्लोअर जो मोटर है वो और तेज़ी से घूमेगा और ज़्यादा हवा देगा। तो वो इसी का काम है कि वो थोड़ा थोड़ा बढ़कर ये करंट देता है, यही करंट देता है ब्लोअर मोटर को। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है, और इसका जो पॉइंटर है मैं 2K पे लगा दे रहा हूँ, क्योंकि रजिस्टर ओम्स में चेक किया जाता है और रजिस्टर का अलग अलग वैल्यू होता है। तो फ्रेंड, चलिए हम इसको चेक करते हैं। ये जो है, यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है, सब नंबर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है L, और यहाँ लिखा हुआ है M2, यहाँ लिखा है H, और यहाँ लिखा है M1। इसका मतलब है L4 लो, यानी अगर यहाँ करंट आएगा, देखिए, अगर इस पिन में करंट आएगा, ये पिन में, तो लो स्पीड में चलेगा मोटर। और M1, ठीक है, यहाँ देखिए, ये है M1, ये लो स्पीड हो गया, ये हो गया M1 यानी मीडियम, M2 मीडियम मतलब उससे भी तेज, और H4 हाई, ये है हाई का पिन। इसमें ये जो है, यहाँ से एक वायर गया है डायरेक्ट मोटर के पास, और उसी से सप्लाई कम या ज़्यादा हो करके जाता है वही वायर से। तो उतना हम अभी तार के बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ जानेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसको कैसे चेक किया जाए कि ये ख़राब है या अच्छा है, कैसे जाना जाए। तो इसको हम अभी चेक करेंगे। यहाँ मल्टीमीटर है, तो यहाँ देखिए, मैंने एक जो रेड वाला वायर है उसको मैं एच में पकड़ रहा हूँ। देखिए, ये है एच, पिन नंबर एच, ठीक है, इसमें पकड़ा, और जो एल है उसमें पकड़ा, ठीक है, एल में पकड़ूंगा। एल में पकड़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बताएगा। देखिए कितना आ रहा है, 7, ठीक है, ये एक इंच में पकड़ा और एक एल में, तो 7 आया, ठीक है। अब मैं M1 में पकड़ रहा हूँ। देखिए, ये है नीचे में जो दिया हुआ है वो M1 है, यहाँ ये M1 है। तो फिर मैं एक हाई में पकड़ रहा हूँ और एक M1 में, देखिए यहाँ पे M1 में पकड़ने से 3 आया, ठीक है, 3 आया। और यहाँ देखिए, अब M2 में पकड़ रहा है, तो M2 में पकड़ने से 1 आया, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस घट रहा है। पहले 7 आया था, देखिए, यहाँ पकड़े थे L में तो 7 आया था, यानी यहाँ जब, जैसे पहला अगर हम स्टेप ऑन कर रहे हैं तो यहाँ आएगा करंट, यहाँ करंट आने से रेजिस्टेंस जो है वो जब बढ़ जाएगा, जब ये रेजिस्टेंस बढ़ करके इस वायर से निकलेगा इंच से, तो कम मतलब उसमें कम ये रहेगा, उसमें जो है उसका वोल्टेज कम होगा। खैर, इसमें ग्राउंड दिया है, ठीक है, वो ग्राउंड का भी जो कैपेसिटी है वो कम होगा। तो देखिए, यहाँ से 7 आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो कम निकलेगा, वहाँ से उसका जो पावर है वो कम निकलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, 7 से आ गया 4, 3, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस घट गया तो और जो है करंट बढ़ जाएगा और करंट ज़्यादा होकर के निकलेगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, एकदम कम हो गया रेजिस्टेंस, यानी यहाँ से जब करंट आएगा, जब यहाँ करंट आएगा तो करंट और ज़्यादा मतलब होकर के निकलेगा। तो इसका यही काम है कि यहाँ करंट आएगा तो थोड़ा सा देगा, और अगर M1 में करंट आएगा तो और ज़्यादा बढ़ा करके देगा, और यहाँ अगर करंट आएगा M2 में तो करंट और भी ज़्यादा बढ़ा कर देगा। तो इसका काम है वही, जब कम करंट बढ़ा, जैसे इसमें करंट आया तो कम करंट बढ़ाएगा, तो कम करंट बढ़ाएगा तो मोटर स्लो चलेगा,
और एम वन में जब करंट देगा तो ये करंट और ज़्यादा बढ़ाएगा तो मोटर और स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसी तरह ये काम करता है रेजिस्टेंस बस।